कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जिसको आप सोल्व करके जाते हो तो आप 100% श्योर है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। चलिए तो शुरू करते हैं। किसने गर्व से बांधों को आधुनिक मंदिर भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से पाइपलाइन परिवहन जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाता है। यहाँ से उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। पांचवा को देख लीजिएगा आप। छठे में हम फटाफट पढ़ेंगे ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। रिक्त स्थानों को देखेंगे तो मध्य प्रदेश। एक देश की आर्थिक ताकत को निर्माण उद्योगों द्वारा विकास द्वारा मापा जाता है। यहाँ से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर चौथा, देख सकते हैं आप ये यहाँ पर ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें आगे की तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पाँच हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं। सही जोड़ी को आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, इतना हो गया यहाँ तक सही जोड़ी भी ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ से ठीक है। एक वाक्य में उत्तर ध्यान से देख सकते हैं आप ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य भारतीय थे क्या? नहीं, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। कपास का मूल स्थान भारत ही माना जाता है, सत्य है। 18वीं सदी के महीम तक महीम कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य है। शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी राइट बात है आपकी। वहां राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान महत्व तो देता उसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र से कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है आपकी। और ये अंतिम जो है विकास करते सभी लोगों का के लिए एक ही होता है, नहीं अलग अलग होता है ना, ये देखिए ठीक है। यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर फाइव है ये। तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण क्या है? संसाधनों के विकास में मनुष्य की भूमिका बताइए, लिखिए ठीक है भैया। यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये देखिएगा, रोपण कृषि की चार फसलों के नाम बताइए, खरीफ की रबी की फसल में अंतर बताइए, रासायनिक उद्योग किसे कहते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, इंटरनेट से आपका क्या तात्पर्य, डिजिटल भारत क्या है, पवन हंस क्या है, रेल परिवहन की कोई दो विशेषताएं बताइए, अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय महिला मालिक क्या क्या ढंग अपनाते थे ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देखिए, आर्थिक महामंदी किन इन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए, जाबर किसे कहते थे, स्टेपल्स क्या है, लाटेन से क्या से ठीक है। यहाँ से देखिए, जापान में छपी गई प्राचीनतम पुस्तक कौन सी थी, भारत में छपाई कब शुरू हुई, मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ये सारा सॉल्यूशन आपको एक या दो दिन में ही प्रोवाइड करा दूंगा मैं। वैसे मैंने पहले ये जो डी तक बताए हैं उनका सॉल्यूशन डाल दिया प्ले लिस्ट में, आप चेकआउट कर लेना एक बार, है ना। अब ये ई और एफ बचे हैं, इनका भी आपको बहुत ही जल्दी बता दिया जाएगा। सरकार के अधिकार क्षेत्र में वनों का वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती है? भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान बताइए। भारतीय संघ, भारत एक संघीय देश है, तीन उदाहरण देना। विकेंद्रीकरण के तीन लाभ लेना है। जोखिम वाली परिस्थितियां में ऋण कर्जदाताओं के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है, समझाइए आवश्यकता।